की ताजा तस्वीरें हम दिखा देते हैं। सीएमआर में पहुंची हैं बहुत सारी महिलाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राखी बांधने के लिए। कर दिया फिर 500 में 200 रुपया कम कर दिया, 300 को कर दिया। बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है हमारे गरीब आदमियों को, बहुत बड़ी लाभ दे रहा है ऐसे अभी। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है। आज काई दिया मुख्यमंत्री, और आज मुख्यमंत्री जी राखी बांधे की साड़ी दी है हमारे को। और मैडम से भी मिले? हाँ, मैडम से भी मिले, और मैडम के साथ भी हम राखी बंधाया, मैडम के साथ फोटो भी खिंचाया, मैडम हमारे को साथ में फोटो खिंचवाई, और हम बहुत अच्छा लगा, और शादी दिया हमारे को अशोक गहलोत जी। भतीजे से, भतीजे की बहू से मिले, और भतीजे के बहू से भी मिले, वो भी बहुत अच्छी लगी, और बहुत अच्छी सी फेल करी हमारे साथ, बहुत बड़ो सहयोग दी, बहुत बड़ो इज्जत दी मान। तो जियाण गिफ्ट मिल रहे है, जियाण थन मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो अगली बार भी यही बने? हाँ, अगली बार भी ऐसे गुप्त दिया, ऐसे याद करे मां गरीब आदमियों को सम्मान दिया, तो अगली बार भी यही सरकार बने, और फिर मान बुला राखी बांधा भी है, बहुत खुशी। मेरा नाम पूजा है, महापुरा के रहने वाले हैं, और सीएम साहब ने राखी बंधवाई। और आप लोगों को साड़ी दी है हमारे को, और बहुत अच्छा लगा। कहेंगे योजनाओं को लेकर आपको? सिलेंडर में भी फायदा मिला हमारे को, राशन में, बिजली का बिल में, और बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? काफी समय बिताया आपने? हाँ, काफी समय बिताया, हमारे से बात की, अच्छा लगा हमारे को। कौन-कौन मिले अंदर आपसे? गहलोत साहब को भी बहुत अच्छा लगा, गहलोत साहब को भी बहुत अच्छा लगा, सीएम साहब को भी। तो आपने सुना, ये वो लाभार्थी महिलाएं हैं उज्ज्वला योजना की पहली लाभार्थी, और ये देखिए ये तोहफा उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से, राखी इन्होंने बांधी सीएम को, तो ये तोहफा उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है, साड़ी उपहार के तौर पर रक्षाबंधन के इस पर्व पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें दी है। ये वो बहनें हैं, ये वो महिलाएं हैं जो लाभार्थी योजना की सबसे पहली लाभार्थी हैं, और आज मुख्यमंत्री को राखी बांधने के लिए पहुंची। सीएम अशोक गहलोत को इन महिलाओं ने राखी बांधी, और सीएम की तरफ से इन्हें उपहार में साड़ी दी गई है। देखिए यही खास बात रक्षाबंधन और इस त्यौहार की होती है। ये महिलाएं पहुंची, सीएम ने इन्हें अपनी बहन माना, और इन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ पर, उनकी कलाई पर राखी बांधी, और इन्हें उपहार में, चूँकि भाई अपनी बहनों को इस पर्व पर, हमारे सहयोगी लोकेश भी लगातार बने हुए हैं, तो लोकेश, ये वो महिलाएं हैं लाभार्थी महिलाएं जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं पहली, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राखी बांधने के लिए पहुंची थी, और अब इन्हें वहां से साड़ी भी उपहार में मिली है, बहुत खुश ये भी हैं। लोकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी लोकेश, तो मुख्यमंत्री को राखी बांध कराई है, लाभार्थियों ने राखी बांधी है, महिलाएं, दो महिलाएं पहुंची, उन्होंने राखी बांधी, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह, क्या कहा मुख्यमंत्री जी? ऐसे बोला, भाई आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, ऐसे बोला। यार खुश रहो आप, ऐसे बोला। सबसे मिला हम तो इतनी तो जानते नहीं है भाई उसका नाम, तो सबसे मिलाया। गिफ्ट में क्या मिला? गिफ्ट में मेरे को साड़ी मिली। साड़ी मिली, और क्या कहा सीएम साहब ने? और सीएम साहब ने ऐसे बोला, भाई आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मेरे को भी अच्छा लगा, और बहुत खुशी है, और मैं भी खुशी है, और वे भी खूब खुशी है। किस किस तरह की योजनाओं का लाभ मिला और धन्यवाद करने के लिए? और हमारे को राखी बांधने के लिए याद कराया, और हम आए,
और हमारे को बहुत बड़ा सम्मान दिया और याद करया तो हम आए और राखी भी बांध्या, हमारा सम्मान भी करया और हमारे को लाभ भी मिल रही है, बिजली का बिल में भी लाभ मिल रही है, राशन में भी लाभ मिल रही है, अनाज में भी लाभ मिल रही है और हमारे को भी में सिलेंडर में भी लाभ मिल रही है। पहली साड़ी 700 रुपया तनख्वाह का था, पेंसिल थी, अब मैंने 1000 रुपया कर दिया हमारा। आपको यहाँ सम्मान भी दिया, आगे भी क्या सीएम वापस आगे भी आना चाहिए सीएम साहब, और यही सरकार बने जो हमको भी बहुत लाभ मिले और ये सरकार बने तो आगे भी मैं आऊँ, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, दूसरी लाभार्थी पूजा भी है, पूजा आप भी यहाँ आए हैं, आज राखी बांधी, राखी बांधी स्वयं साहब ने बुलाया हमारे को, हमारे भाई की, किस किस के राखी बांधी होते हैं ये पता नहीं। आपको किस तरह का गिफ्ट मिला, किस किस योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिल रहा है? हमारे को गिफ्ट में साड़ी मिली और राशन का, सिलेंडर की और बिजली का बिल, पेंसिल ये मिला। क्या कहोगे सीएम साहब को, क्या कहना चाहोगे आज? सीएम साहब वापस आना चाहिए। बिल्कुल, दोनों लाभार्थियों से हमने बातचीत की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज यहाँ सीएमआर पहुँच के राखी बांधी, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है, रक्षा सूत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आती कलाई पे इन महिलाओं ने बांधा। और जिस तरह से सरकार की जो योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, आमजन को लाभ मिल रहा है, और उन्हीं योजनाओं को लेकर धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लंबी उम्र की कामना की, साथ ही आगे भी इसी तरह से इनकी अगली बार भी पुनः सरकार रिपीट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के बने, और इसी उम्मीद को लेकर इसी आशा के साथ में आज महिलाओं ने राखी बांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिफ्ट में उनको साड़ी भेंट की है। तो इस तरह से सरकार की योजनाओं का जो लाभ जिन महिलाओं को मिल रहा है वो अलग अलग पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो कुरियर के जरिए इनकी गिफ्ट मेरा राखी आम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भेज रही है। और रक्षाबंधन का आज पर्व है, प्रदेश के जो मुखिया हैं अभी उन्होंने जोधपुर जब वो गए थे तब अपनी जो सीएम की सिस्टर हैं विमला देवी उनसे भी सीएम ने राखी बंधवाई थी, और अब यहाँ पर दो और बहनें जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना की उन दो और बहनों से सीएम ने राखी बंधवाई है। देखिए रक्षाबंधन का ये जो पर्व है, राजनेता जिस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, प्रदेश के मुखिया इसे जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रदेश भर में बहुत ही अच्छा संदेश लोकेश इससे गया है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मैसेज सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यहाँ आज दिया जा रहा है प्रदेश भर की जो महिलाओं को, उज्ज्वला योजना के जहाँ सिलेंडर मिल रहे थे बीपीएल की जो महिलाएं थे उन्हें जो सिलेंडर जहाँ 1100 रुपये 1200 रुपये मिल रहा था वो 500 रुपये मिल रहा है, तो वो एक उन्हें दी, साथ साथ एक हर घर के जो राशन, हर घर का जो चूल्हा है वो चलता रहे इसी को लेकर जो अन्नपूर्णा किट देने का काम किया जा रहा है, बुजुर्ग महिला या फिर जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन लाभ दिया जा रहा है, साथ ही जो अन्य जो लाभ सरकार की योजनाओं के जो दिए जा रहे हैं, और इसी योजनाओं के लाभ को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा इन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बात करते हैं। और अब प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पुरुष युवा हो, हर वर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पुनः सरकार के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज जो महिलाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ की कलाई पर जो राखी बांधी है तो उन्होंने भी यही कामना की है कि अगली बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुनः सत्ता में आए और उनके लिए जिस तरह की अभी योजनाएं लेके आ रहे हैं उसी तरह की योजनाएं आगे भी हुई। और चूंकि अब मुख्यमंत्री के हाथों में कलाई बांधी है तो बिल्कुल अपने भाई के लिए, प्रदेश के मुखिया जो कि अब आज हाथ में राखी जब इन्होंने बांधी तो उनके भाई हो गए, तो अपने भाई की सरकार उनकी दोबारा बने इस तरीके की कामना भी ये बहनें करती नजर आई। शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।